देखने वालों के नजर से इस फिल्म के दो पहलू होने वाले हैं, इसलिए ऐसे फिल्म ज्यादा कंट्रोवर्सी में आते हैं और इस फिल्म के बारे में बात करना काफी कंफ्यूजिंगली कठिन हो जाता है। लेकिन इस फिल्म के बारे में बात भी ना करें तो वो भी सही नहीं है। तो हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है, मैं एक आपका होस्ट और ये रहे मेरे गोस्ट। बात करेंगे इस फिल्म के बारे में, तो बिना आपका वक्त बर्बाद किए शुरुआत करते हैं आज का ब्लॉग। आज मैं बात कर रहा हूँ 2020 में आए हुआ फिल्म जो अभी आप लोगों के नेटफ्लिक्स पे उपलब्ध है, जिसका नाम है शिकार। पहले तो ये फिल्म का नाम, मतलब नाम देख के बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आता है। कश्मीर में दाल झील पे चलने वाली एक छोटी सी नाव को शिकारा कहता है, तो ऐसा लग रहा था कि भाई ये बोट के ऊपर कौन फिल्म देखने वाला है, इसलिए मैं इस फिल्म को अवॉइड कर रहा था। लेकिन कल ऐसे कुछ खास नहीं था मेरे पास कुछ देखने के लिए, इसलिए मैंने सोचा चलो फिर देख ही लेते हैं। तो जब देखा तब पता चला जो सोचा था वो ये फिल्म बिल्कुल भी नहीं है, और ये फिल्म उससे भी कई ज्यादा अलग है। क्या देख रहे हो? माचारी इंसाफ ने कश्मीरी पंडित नहीं देखा है। आप देख लिया? हाँ। चलो भागो। तो बहुत ही शॉर्ट में इस फिल्म के बारे में बताऊंगा। तो कहानी है एक कश्मीरी पंडित कपल की, जिन्हें 1920 के दंगों में अपना सब कुछ कश्मीर में छोड़ के जम्मू जाना पड़ता है, जहाँ पे उन्हें अपने ही देश में एक रेफ्यूजी बनकर रहना पड़ता है। बस इतनी सी है इस फिल्म की कहानी। अभी इस टॉपिक के ऊपर लिखी हुई कहानी को कैसे दिखाया जा सकता है, इसका तो 100% बिंदु विनोद चोपड़ा को सवाल पड़ा होगा, क्योंकि ये उसके खुद के घर की कहानी है, उसके खुद के जिंदगी के साथ काफी जुड़ी हुई है, और तो और जिस शहर में वो खुद पला बड़ा है उसके बारे में दिखाना है। ऊपर से इतनी सेंसिटिव टॉपिक है, तो इसके ऊपर अगर फिल्म बनाना है तो ये बहुत ही कठिन है। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि इसके दो पहलू हो सकते हैं इस मूवी को देखने वाले लोगों का, एक तो सही या एक तो गलत, क्योंकि वहां के लोगों के ऊपर उस टाइम पे क्या बीती है इसका अनुमान तो हमें है ही नहीं, और अनुमान लगा भी नहीं सकते, क्योंकि अनुमान लगाने के लिए हमने वहां पे होना चाहिए और हम तो वहां पे पले बड़े बिल्कुल भी नहीं है, तो वहां की सिचुएशन के बारे में तो हमें कुछ पता ही नहीं। जो कुछ भी सुनते हैं लोगों की तरफ से ही सुनते हैं, और हमें जो सुनाया जाता है हमें वही सही लगता है। कोई भी अपने आंखों से देखी हुई घटित किस्सों के बारे में अगर किसी को बताने के लिए जाए तो 100% उसके अंदर थोड़ा बहुत तड़का मारकर ही वो चीज उसको बताता है, इसलिए ये घटित किस्से कहानियों का रूप लेती है। तो वो छोटी सी भी क्यों ना चीज हो, उसके अंदर वो थोड़ा कुछ बड़ा चढ़ा कर ही बोलेगा। लेकिन यकीन मानो ये फिल्म सिंपलेस्ट से भी सिंपलेस्ट है, और जितना हो सके उतना शायद विनोद चोपड़ा ने इस फिल्म को बिना कोई मिर्च मसाले के सीधे सीधे बताया है, और शायद उनके लाइफ में घटी हुई कुछ घटनाओं के बारे में भी बताया है। तो फिलहाल अभी कश्मीरी पंडितों का क्या हाल है इसका हम सभी को अनुमान है, अगर नहीं है तो ये देख लो। For 30 years. It's 30, they haven't yet gone back. तो यही इस फिल्म में दिखाया गया है, और खुद विंदु विनोद चोपड़ा ने अपनी माँ को भी इस फिल्म में दिखाया है। Experiences in the film. Actually, her name was Shanti Devi, and the character in the film, Sadia, who plays, is called Shanti. फिल्म का मोटिव भले बनाने वाले का एक तरफा हो, लेकिन देखने वालों के कई पहलू हो सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे तो दोनों मजहब के लोगों ने सब कुछ झेला है और दोनों मजहब के लोगों के जख्म अभी भी हरे हैं। तो इसमें क्या सही कितना गलत ये सब आपको डिसाइड करना है, लेकिन फिल्म कैसे बनाई गई है इसके बारे में बात कर सकते हैं। तो सिनेमेटोग्राफी जो इस फिल्म का है वो बहुत ही अच्छे से की गई है, और हर एक सीन जितना हो सके उतना डिटेल में दिखाने की कोशिश की है। डायलॉग्स बहुत ही कम है लेकिन अच्छे हैं, सिंपल है और एक सरल है। म्यूजिक AR रहमान ने दिया है तो सवाल ही पैदा नहीं होता, बहुत ही बेहतरीन तरीके से किस्सों के हिस्सों को जोड़ के महसूस कराया है। एक्टिंग काफी एवरेज है, लेकिन इस फिल्म के कंसेप्ट के साथ बड़ा ही अच्छे से मैच होता है। इन नए कलाकारों के लिए ये रोल निभाना मतलब सच्ची में बहुत ही चैलेंजिंग रहा होगा। तो रेटिंग की बात करो तो अकॉर्डिंग टू CBFC इसे रेट किया है UA, यानी कि PG-13 समझ लो। तो 12-13 साल के नीचे बच्चे इस फिल्म को अकेले से बिल्कुल भी ना देखे, पेरेंटल गाइडेंस मस्ट है। बड़ों के साथ और पूरी फैमिली साथ में इकट्ठे बैठ के कंफर्टेबली और कॉन्फिडेंटली इस फिल्म का लुत्फ उठा सकती है। ये फिल्म फिलहाल के लिए सिर्फ हिंदी में ही अवेलेबल है, और ये विजुअली इम्पेयर्ड फ्रेंडली फिल्म भी नहीं। तो अगर आपको लगभग 2 घंटे का एक रोमांटिक ड्रामा जो 1990 कश्मीर में हुए राइड्स पे बेस्ड एक फिल्म देखना चाहते हो तो ये फिल्म 100% में वन टाइम वॉच जरूर रेकमेंड करूंगा। आपका ओपिनियन कैसा भी हो लेकिन आपको ये फिल्म जरूर पसंद आएगा। ये फिल्म राइट्स पे नहीं है तो वहां पे होने वाले दंगों में एक कपल के इमोशनल जर्नी के ऊपर बेस्ड है,
और इस फिल्म के द्वारा शायद विनोद चोपड़ा और कई कश्मीरी पंडितों की यही इच्छा होगी कि इंडियन गवर्नमेंट इसके ऊपर कुछ करे। अब ये तो यंग लोग सुन रहे हैं ना, पॉलिटिशियन सुन लें, पार्लियामेंट में सुन लें, तो उन तक आवाज पहुंचे। 30 years, कैन यू इमेजिन, यू कांट गो बैक। और उन्हें फिर से अपने घर यानी कि कश्मीर जाने का, और हम आएंगे वतन अपने बाजी साहब और यहीं पे दिल लगाएंगे, यहीं मरेंगे और यहीं के पानी में हमारी राख बहाई जाएगी, इसका मौका मिले तो। ज्यादा इस फिल्म के अंदर कुछ नहीं है, बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छा फिल्म बनाया गया है। आप जाकर ये फिल्म देखो, बहुत ही वीकेंड टाइप्स वाला फिल्म है, मस्त में एंजॉय करोगे। आपको ये फिल्म कैसा लगा, मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और आप लोगों का मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आप अपने कीमती समय में से थोड़ा सा वक्त निकल कर मेरा ये छोटा सा ब्लॉग देखते हो। तो बस आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग कंटेंट चैनल पसंद आए तो इसे लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सब्सक्राइब होने के बाद घंटे आइकन दबाने का, तुरंत वो ऑल बटन दबाने का, ताकि मेरे जब भी नए नए ब्लॉग्स आएंगे तभी आपको उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या फिर मेरे दूसरे ब्लॉग्स में देखना चाहते हो तो ऊपर आए बटन पे या फिर एंड स्क्रीन में उसके लिंक्स आ रहे हैं, आप वहां पर जाकर देख सकते हो। तो आपसे फिर मुलाकात होगी मेरे दूसरे ब्लॉग पे। टिल देन, टेंशन लेने का नहीं, माँ बाप को परेशान करने का नहीं, बाजाले को बेवजह छेड़ने का नहीं, अनसब्सक्राइब किए बिना जाने का नहीं। क्या बाय।